यूपी के श्रावस्ती से खबर है। यहां राप्ती नदी का कहर लगातार जारी है। कटान के डर से ग्रामीण अपने ही हाथों अपने आशियाने को तोड़ने को विवश हैं। कई घर और सैकड़ों बीघा फसल लगी जमीन नदी में समाहित हो चुकी है। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे अब काटत है गंगा जी में जात है। अरे बहुत घर समाहित हो गया। कहां बचत है बच्चे साहब का? जात है सब तो जात है। अरे कहां ले जाओ जी साहब, जहां मिली जगह जी जहां जाइए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी इस दिनों अपना रास्ता ही बदल रही है। जब राप्ती नदी यहाँ गांव से काफी दूर बह रही थी, वो आज राप्ती नदी गांव में पहुंच गई है और लोगों के घरों को अपना निशाना बना रही है। ऐसे में ग्रामीण सहम गए हैं और लगातार अपने घरों को तोड़ने को विवश हैं। इसके साथ साथ जो नहीं तोड़ पा रहे हैं उन्हें राप्ती नदी अपने में समाहित कर रही है। राप्ती नदी ने विकासखंड इकोना इलाके के लेबुड़वा गांव में अपना रास्ता बदल दिया है और वो अपने घरों अपने आप में सभी के घरों को आगोश में ले रही है, घरों को निशाना बना रही है। लगातार घर इसमें समाहित हो रहे हैं। 5 दिन पूर्व हम यहां पर पहुंचे थे तब ग्राम प्रधान का घर यहां पर समाहित हुआ था, जिसके बाद आज 3-4 दिन बाद जब हम लोग फिर पहुंचे तो यहां पता चला 4-5 घर जो किनारे से बने हुए थे लगातार राप्ती नदी में समाहित हो जाते हैं। आज इनके चेहरों पर इस तरह भय आ गया है कि ये लोग अपने हाथों से ये घर तोड़ रहे थे। अभी यहाँ पर हमारे इंडिया न्यूज़ के कैमरे में तस्वीरें भी कैद हुई हैं कि ये लोग जहाँ पर ये घर बनाए थे काफ़ी मजबूत बनाए थे, इसमें काफ़ी सरिया पड़ा हुआ था जिसे नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आज यहाँ पर इन्होंने मशीन मंगाकर मशीन से सरिया की कटिंग की, उसके बाद घर तोड़ा गया है। वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से लोग बेबस हैं और आखिरकार आज इनको अपने हाथों वो आशियाना तोड़ना पड़ रहा है जिसको इन्होंने एक सपना सजोया था, एक उम्मीद जताई थी कि इनमें हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे यहाँ पर रहेंगे और वो जिंदगी अपनी काटेंगे। लेकिन राप्ती नदी की जब विनाश लीला शुरू हुई तो ये बेबस हो गए और अपने हाथों से राप्ती नदी की कटान को देखते हुए अपने घरों को तोड़ने लगे। दादा क्या नाम है आपका? राघवराम। राघवराम जी 5 दिन पहले आए थे तब एक घर समाहित हुआ था, आज क्या हाल है? आज तो और भी कट रहा है, इनके राकेश के और सरबजीत के घर कट रहा है जी। हमारा घर कट गया राघवराम, दिनेश का कट गया, मेरे 3 भाई एक भतीजा का, उनको समाहित होगा बहुत पहले। क्या नाम थे इनका समाहित होने के? क्या नाम? अलख राम जी, सुकुमार और उप प्रधान कन्हैलाल यादव, देवेंद्र। हाँ, इनके घर समाहित हो गए, खत्म होगा। अब हमार राघव राम नाम हमार समाहित होगा, दिनेश के हमारे माता पिता। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप हमें लग रहा है 60 साल से ऊपर। 60 साल से ऊपर। तो ये क्या राप्ती नदी ने इस बार ऐसा कहर दे दिया कि आप लोगों के घर पे आ गई राप्ती नदी? हाँ साहब, राप्ती नदी आप आसो आएगी, दूर रही जब 300 मीटर 400 मीटर सब लोग आवत रहे हैं देखे तमाशा। MP विधायक सब फोटो खिंचाए चाहे चले गए, SDM आए, सभी आए, लेकिन कहीं नहीं विधायक आया, कहीं जब अभी राम बाण होगा कटेगा नहीं, हम लोग जोखम पर सब समाहित होगा, कुछ नहीं कार्य भा, कुछ भेजे नहीं थी। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हाँ यहाँ पर 300 मीटर दूर थी और जैसा कि हमने बताया कि राप्ती नदी ने इस बार अपना पूरा दिशा ही बदल दिया, इस गांव को अपना रास्ता बना लिया कि राप्ती नदी अब यहाँ पर होगी लेबुड़वा में। राप्ती नदी जो 300 मीटर 400 मीटर दूर थी वो आज इन गाँव में आ गई है, इनके घरों को अपने आगोश में ले रही है और राप्ती नदी अब लेबुड़वा के नाम से जानी जाएगी कि लेबुड़वा को समाहित कर लिया राप्ती नदी ने। ये तस्वीरें यहाँ का निकलाई। दादा आज क्या हालात है, अभी आप तोड़ रहे थे? आज का साहब आज तो सब तोड़ा जाता है घर, आ तो नदी बाढ़ हुई गई फिर तोड़ा जाता है मकान, फिर से पानी बढ़ा है। हाँ, फिर से पानी रात में बढ़ गया, काफी तेज हुई है। रात में बढ़ गया तो रात में मने ही बुलाई के सब की सबसे तोड़वाई थे मकान, टूट गया और तो समाहित गिर गया। ये तो हमारे सरबजीत का और राकेश का टूट रहा है, हमार और दिनेश का, ये सब 3-4 लोग के कट गया। अच्छा, ये बगल में हमें वो देखे सार्वजनिक शौचालय, वो भी अभी बिल्कुल पहुंच गया। हाँ, वो शौचालय तो थोड़ी दूर रहेगा है, 50 मीटर तो नहीं है, 30 मीटर हो ज्यादा ज्यादा, वो भी कट जाएगा, वो कट जाएगा, रुकी ना ये मकान खत्म होते होते वो कट जाएगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरह ये कटान कर रही है क्या होगा, इस गांव बचेगा? ये बची ना गांव, ये कटान से तो ये गांव पूरा कट जाएगी, बहुत ज़्यादा तगड़ा कटाव है, मोरोर है, यहाँ कोई शासन प्रशासन आज तक ताका नहीं, DM तो या DM SDM यहाँ कोई देखे नहीं आया, DM आया तो बहुत दूर नदी रही। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ हमें कोई मदद नहीं मिल पाई है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है, हालांकि ये जरूर है कि यहाँ पर लेखपाल एक बार आए थे, पता नहीं दोबारा वो आए कि नहीं आए ये भी नहीं पता है, लेखपाल पता नहीं लग रहा है कि आ रहे हैं यहाँ पर और लगातार जो क्षति हो रही है उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन वो क्षति जो हो रही है वो तो कोई नहीं पूरा कर पाएगा, शायद उसके लिए चाहे जो भी कर लिया जाए वो पूरी नहीं होगी। लेकिन लगातार इनके चेहरों पर जो मायूसी है, इनके घरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनके घर कैसे होंगे, ये लोग कैसे खाना बना रहे हैं, जब ये घर टूट रहा है तो सारी सामग्री आप निकाल कर कहाँ रख रहे हैं,
कैसे अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, इन बच्चों के चेहरों पर ये तस्वीरें साफ बना दीजिए कि इनकी आंखों में केवल मायूसी है, कुछ नहीं है, इनको कैसे खाना मिल रहा है, कैसे भोजन मिल रहा है, कैसे ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये केवल आदमी अनुभव ही कर सकता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि आखिरकार लेबुड़वा के जो ग्रामीण हैं आज उनके दिलों पर क्या बीत रही है और वो कैसे अपने परिवार को सांत्वना दे रहे हैं तथा अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती, कैमरामैन चंदन के साथ।